वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका यार ब्लॉग विद आतिश में। दोस्तों आज का जो ब्लॉग होने वाला है उसके बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि देख सकते हो मैं आ चुका हूँ KTM के शोरूम में। यहाँ पे अपने सामने खड़ी है KTM अपनी ड्यूक 250, जैसे कि देख सकते हो ये है, बहुत मस्त मॉडल दिख रहा है यार दोस्तों। और ये जो मॉडल है दोस्तों ये 2023 का अपना मॉडल है, 2023 का ये नया वाला मॉडल है। जैसे कि देख सकते हो उसके लुक्स कितने अच्छे लग रहे हैं यहाँ से दोस्तों। वैसे तो इतने ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए 22 और 23 में, बट कुछ मेजर चेंजेस है जो काफ़ी एकदम अच्छे लग रहे हैं। लुक्स जो है कि ड्यूक के, जैसे पता है अपने कितने अच्छे रहते हैं, उस तरीके के इसके लुक है दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे इसकी अपन कंफर्ट के, तो इसकी सिटिंग पोजीशन दोस्तों एकदम से अच्छी है, ठीक है। आप देखोगे कि जैसे अपनी पुरानी वाली में थी उस तरीके की इसमें जो सिटिंग पोजीशन है ड्यूक की जैसी मानी जाती है, एकदम कंफर्ट रहती है, एकदम अच्छे से एकदम कंफर्ट है, ठीक है। और बात रहेंगे इसके टायर के, तो टायर भी दोस्तों देख सकते हो काफ़ी अच्छा है, तगड़ा है इसका टायर दोस्तों। जो डिस्क है काफ़ी बड़ी मिल जाती है इसमें, ठीक है, मतलब सेम है, इतनी बड़ी नहीं, थोड़ी सी आई थिंक सो इंक्रीज़ की होगी, ठीक है। और अगर बात करेंगे दोस्तों पीछे की, तो पीछे के टायर में भी दोस्तों आपको ABS मिल जाएगा और आगे के टायर में भी दोस्तों आपको ABS मिल जाएगा दोस्तों। बात रहे ABS की, तो ड्यूल चैनल ABS में आपको इसमें मिल जाता है, ठीक है। उसी के साथ बात करेंगे तो अगर पीछे का जो पिलियन है उसके लिए भी दोस्तों ठीक है, मैं बोलूँगा। जो आगे के जो पोजीशन है वो एकदम कंफर्ट है, पीछे वाले के लिए भी दोस्तों अच्छी खासी है, बैठ सकते हैं, ठीक है। अगर पावर की बात करेंगे तो दोस्तों इसमें जो पावर है, इसके इंजन का जो पावर है, मतलब जो इंजन है इसका, इंजन है 248 CC का, ठीक है। जैसे कि लास्ट 2020 मॉडल में भी था, वो जो था 248 CC का है, और इसमें भी 248 CC का ही दिया है। और एग्जॉस्ट तो इसका एज इट इज़ जैसे 2020 मॉडल में था उस तरीके का ही आपको देखने मिल सकता है। ऑरेंज कलर के इसके जो व्हील है, जो सेम जो अपना KTM जिस तरीके से उनका जो एक लुक ही है जो प्रोवाइड करता है, उस तरीके का ये लुक देखने मिल रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। काफ़ी यार एकदम परफॉर्मेंस के मामले में यार ड्यूक का गाड़ी एकदम काफ़ी यार, मतलब पहले से ही देखा जाओगे तो यार काफ़ी मस्त है। लुकिंग में तो कोई बात का सवाल उठता नहीं KTM के अपने लुक में, ठीक है। और दोस्तों ये जो मॉडल 23 का, इसमें E20 मतलब इथेनॉल पेट्रोल के साथ, मतलब जो आई थिंक सो रहता है 20% आप इथेनॉल भी यूज़ कर सकते हो, मतलब पेट्रोल के साथ ऐसा बोला जाता है। उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बताऊँगा आपको बताने के लिए, ठीक है। लुक्स के मामले में यार ड्यूक किलर है एकदम, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ आपको, ड्यूक का कोई कंपटीशन नहीं है किलर के मामले में, ठीक है दोस्तों। इसका डिस्क भी दोस्तों बहुत बड़ा है, अगर देखोगे ना डिस्क बहुत बड़ा है यार दोस्तों, सच में एकदम से। और ये है रिफ्लेक्टर्स यहाँ पे दिए है, यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स है, पीछे भी अगर देखा जाओगे तो यहाँ पर भी एक है रेड कलर में, ठीक है। यहाँ पर अपने KTM की जो है ब्रांडिंग देखी जाएगी आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे भी एक है जो इसकी ब्रांडिंग है, ठीक है। इंजन दोस्तों पावरफुल है एकदम, 248 CC का, जैसे कि मैंने बोला था एकदम दोस्तों, मतलब ज़बरदस्त है। इंजन की तो यार बात ही नहीं करूँगा मैं, क्योंकि ड्यूक का इंजन तो यार बहुत पावरफुल रहता ही है। बजाज के इंजन और ड्यूक के इंजन में अगर देखा जाएगा तो बजाज के ड्यूक का जो इंजन रहता है वो यार पावर थोड़ा ज़्यादा प्रोड्यूस करता है हमेशा से। अगर आपने पुराना वीडियो भी देखा होगा मेरा, तो उसमें भी पता चला होगा कि किस तरीके का पावर ये प्रोड्यूस करता है दोस्तों। पावर की बात करेंगे तो यार 30 PS की पावर जनरेट करता है ये जो ड्यूक 250 है। अगर डिस्प्ले की बात करेंगे तो ये देख सकते हो इसका डिस्प्ले का इस तरीके का है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। और जो इसके जो क्या बोलते हैं इंडिकेटर्स जो है इस तरीके के हैं, ठीक है, मतलब देखने में दोस्तों एकदम चिल लग रहा है। और बात करेंगे तो इसके यार सामने वाली ये देखो, ये LED जो लैम्प है, ये जिस तरीके जो इसकी हेडलाइट है, ये काफ़ी यार दोस्तों दिखने में बहुत सही दिख रही है। दूर से अगर देखोगे ना लुकिंग इसका बहुत, 250 के कंपैरिजन में अगर देखोगे तो इसका जो LED लाइट है ये काफ़ी यार मतलब दोस्तों हटके दिखता है, बहुत एकदम सही लगता है दोस्तों, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त है। और यहाँ पर मिल जाएगा ये सारी गार्ड जो है यहाँ पर सेफ्टी के लिए जो है, ठीक है। और बाद में यहाँ पर मिल जाएगी हर जगह KTM की यहाँ पे ब्रांडिंग मिल जाएगी। यहाँ जो इसमें स्पीड गियर जो मिल जाएंगे, गियर बॉक्स जो है वो आपको मिल जाएंगे इसमें, कुछ 6 गियर मिल जाएंगे इसमें, जैसे पिछले इसमें थे 6 गियर बॉक्स की स्पीड मिल जाएगी आपको इसमें, ठीक है दोस्तों। और अगर उसी के साथ अगर बात करेंगे अपन पावर का, परफॉर्मेंस का, तो KTM का कोई तोड़ नहीं है दोस्तों, उसकी पावर हमेशा से सब लोग जानते हैं किस तरीके की है।
और अगर मेनली बात करेंगे टूरिंग के लिए वगैरह, तो यार ड्यूक की बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, जो जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे भी है KTM 390। ये तो कहने के लिए स्पेशली मतलब एडवेंचर के लिए, एडवेंचर वर्जन है वो अपने 390 का। तो दोस्तों काफ़ी मतलब ड्यूक की बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जो अपन टूरिंग के लिए भी लेके जा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ हैं जो इसका जो एवरेज अपने को मिल जाता है 35 KMPL के आसपास, या उससे थोड़ा सा मतलब अगर रफली आप नहीं चलाओगे तो आपको अच्छा खासा इसका जो है माइलेज आपको मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे पीछे साइड पे देखोगे तो LED है, अपने जो इंडिकेटर्स दिए हैं यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो आप लोग। ठीक है, तो बहुत सही है यहाँ पे इस तरीके से। कार्बन क्रिस्टल भी देखोगे तो दोस्तों ये जो है इस तरीके का आपको देखने मिल जाएगा इसका, जैसे कि देख सकते हो बहुत कुछ देखने मिल जाएगा इसमें आपको। यहाँ पे गियर कितने हैं वो देखने मिल जाएगा, ABS का वगैरह वो भी मिल जाएगा। अगर ड्यूक 350 में अगर बात करेंगे तो एक चीज़ जो ऐसी है जो इसमें एक स्पेशल यार ऑप्शन दिया जाता है जो है ABS ऑन और ऑफ का, मतलब वो फीचर तो मेरे को अभी तक इस गाड़ी में ही मतलब दिखा है। मतलब 250 का जो सेगमेंट है या अंडर 400 सेगमेंट के इसमें देखा जाएंगे तो इस गाड़ी में ही दोस्तों ऐसा है जो अपने को ABS मतलब पीछे का जो रेयर का जो ABS है उसको ऑफ करने का एक सिंबल मिल जाता है अपने को, एक बटन मिल जाता है जिसके से आप ऑफ कर सकते हो। ये इसका है एनालॉग जैसे कि देख सकते हो आप लोग। ABS लेके इसमें स्पीड कितने गियर है, गियर वगैरह भी दिखाता है, स्पीड दिखाती है ABS का जो है वो भी आपको देख सकते हो आप लोग इसमें कैसे दिखा रहा है। ठीक है, अभी इसमें एक्चुअली मैं फ़ोन से शूट कर रहा हूँ इसलिए आपको थोड़ा सा रिफ्लेक्शन दिखता होगा दोस्तों, लेकिन फिर भी जैसे कि आप लोग देख सकते हो लुकिंग के मामले में दोस्तों किलर है KTM, एकदम ज़बरदस्त है। ठीक है, तो जैसे कि देख सकते हो मैं इस वक्त था अपने कांजूर के KTM के शोरूम में, और इसकी जो प्राइस निकल के आ रही है दोस्तों, मतलब मैंने पूछा मतलब यहाँ पे, तो इसकी प्राइस है दोस्तों 2,84,000 ऑन रोड में आपको मिल जाएगी दोस्तों। काफ़ी ज़बरदस्त है, देख सकते हो इसकी जो LED लाइट है अभी से दिन में भी इतना उठ के दिख रही है ना दोस्तों कि क्या ही जवाब दे। दिन में भी अगर लेके निकलोगे तो आपको तो इसका LED का जो पावर है वो बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों आप लोगों को नज़र आ जाएगा दोस्तों, बहुत पावरफुल मशीन है दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को जो गाड़ी के जो जो भी फीचर है मैंने अभी समझाए होंगे आपको समझ गए होंगे दोस्तों। अगर आपको लेना है आप आ सकते हो, कांजू स्टेशन से कुछ 10 मिनट के दूरी पे ही है ये, आपको मिल जाएगा जो शोरूम है KTM का, यहाँ पे आके आप बात कर सकते हो और आप जो भी है वो सब ले सकते हो दोस्तों। जो भी है सब चीज़ें यहाँ पर समझा के आपको अच्छे से दे दी जाएंगी। ठीक है, तो यार दोस्तों आई होप अच्छा लगा होगा ये वीडियो आपको, तो यार ऐसी वीडियो में लेके आता रहूँगा, मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।